नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। कृषि कानून के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच राहुल गांधी अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ मंच साझा करेंगे। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर जबरदस्त सियासी घमासान है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े होने की वजह से हत्या हुई है। हालांकि दिल्ली पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले की जांच कर रही है। और वहीं असम में विधानसभा चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। असम में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये तक की कटौती की गई है। इसके अलावा राज्य में शराब पर लगने वाले शुल्क में 25% तक की कमी की गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खेत पर गए युवक की गर्दन रेतकर हत्या कर दी गई है। हत्या की घटना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। उधर घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। दिनेश त्रिवेदी जल्दी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च करेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस ट्रैक्टर से ईंधन की लागत पर सालाना तकरीबन 1 लाख रुपए तक की बचत की जा सकती है। बिहार के वैशाली जिले में एक नाबालिग के साथ अपहरण और दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। यही नहीं, आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करके शव को तालाब में फेंक दिया। पुलिस जांच में जुटी। लुधियाना में एक शख्स ने अपने पत्नी की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी है और उसके बाद बेटी को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इसके बाद आरोपी ने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। भिवानी में ट्रक और बुलेरो की आमने सामने की टक्कर हो गई है। हादसे में एक ही परिवार के 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती किया। वाराणसी में एक घरजमाई की नियत सास के पैसों को लेकर खराब हुई तो उसने उनके बैंक खाते से 5,90,000 रुपये अपने दोस्त के पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर कर मौज मस्ती में उड़ा दिए। सास ने पुलिस से शिकायत की तो आरोपी दामाद और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जलंधर में धुंध के कारण हाईवे पर कार और टाटा एस की टक्कर के बाद करीब 12 वाहन एक दूसरे से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती किया है। पंचकुला क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक छात्र को कार लूट कर भागने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया जहां से उसे 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में कार लूटकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 3.5 घंटे तक मुठभेड़ चली है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश गंभीर रूप से घायल। और वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में 16 जनवरी को ऑटो डीलर कंपनी के मैनेजर को लूटने वाले एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। शख्स को हरियाणा क्राइम ब्रांच उसे ट्रांजेंट रिमांड पर ले गई है। दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे में ही एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में 9 फरवरी को एक 32 साल की शादीशुदा महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया है कि इस हत्या के पीछे महिला के प्रेमी का हाथ था। शाहजहानपुर में 2 सगी बहनों ने सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली है। परिजनों का कहना है कि आर्थिक तंगी के चलते घर में झगड़े होते थे, इसलिए दोनों बहनों ने यह कदम उठाया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर में छेड़छाड़ के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। इसका एक वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के चर्चित कासगंज कांड का एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी दरोगा अशोक और कांस्टेबल देवेंद्र के साथ मारपीट में शामिल था। महाराजगंज में सियासी रंजिश में पूर्व प्रधान रामनाथ को पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। जमीनी रंजिश में यह हत्या की गई है। हत्या करने के बाद हत्यारों ने खुद कोतवाली जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। फतेहपुर में शादी से पहले ही दामाद बेटी से मिलने आने लगा था तो पिता को ये नागवार गुजरा। इस बात पर घर में बहस हुई तो नाराज मां बेटी ने ट्रेन से कटकर जान दे दी है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली में एक शख्स ने मौत से पहले वीडियो बनाया। इस वीडियो में उसने पत्नी के अवैध संबंधों का खुलासा किया। इतना ही नहीं, पुलिस पर भी आरोप लगाए गए हैं। इस वीडियो को अपने कई मित्र और जानने वालों को भेजने के बाद उस शख्स ने आत्महत्या कर ली। गाजियाबाद के वैशाली में बंद फ्लैट में मिले शव की शिनाख्त करते हुए पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मंगेतर और एक अन्य प्रेमी के साथ मिलकर नितिन की हत्या की गई थी, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को कांग्रेस नेताओं द्वारा मध्य प्रदेश में शूटिंग न करने की धमकी दी गई थी। अब इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने कंगना को सुरक्षा उनकी बढ़ा दी है, जिसके चलते उनको गार्ड भी मुहैया कराए।
बिग बॉस सीजन 14 की सबसे बड़ी एंटरटेनर राखी सावंत भी दूसरे घरवालों से आगे निकलते हुए फाइनल में पहुंच गई हैं, जिसके बाद वो निक्की तमोली को टक्कर देने वाली हैं। आईपीएल संचालन परिषद में खिलाड़ियों की संख्या में कटौती की है, जिसके बाद 292 खिलाड़ी नीलामी में उतरेंगे। 8 फ्रेंचाइजी 61 स्थानों को भरने के लिए बोली लगाएगी। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।